करंट कंडीशन ऑफ द गली, करंट कंडीशन ऑफ दिस गली। कब तक तैयार करोगे भैया इसको? कल ये तैयार हो जाएगा। लेनिक में घुसने के लिए जो पहाड़ है और बड़ा ही होता जा रहा है और रास्ता और छोटा होता जा रहा है, और मेरे को ट्रैकिंग जूते पहन के आने पड़ेंगे यहाँ जाने के लिए अंदर। व्हाट इज दिस? ट्रैकिंग शूज रिक्वायर्ड। मेरे पिताजी है, माता जी ये देख रहे हैं। बन गया है वैसे सीवेज लाइन कंस्ट्रक्टेड। ये भी सीवर बन गया है, ये भी सीवर बन गया है। इसके ऊपर से ऐसा हॉप करके जाना पड़ेगा। गली की अपडेट इतनी बन गई है, समतल हो चुकी है गली। इसके ऊपर डलेगा जो डलेगा। अरे ट्रेनिक वाली गली रिसीवर वगैरह सब डाल दिए हैं, बस गली बननी है। गली की कंडीशन सेम है जैसे मामा बताया करते थे, कैसे कैसे रास्तों से होके हम स्कूल जाते थे, वैसे ही रास्तों से होके क्लिनिक जाता हूँ मैं। मेरी तरफ से एक बड़ा अजीब सा अलग सा तरह का व्लॉग बन गया है, पर मैं आपको ये बताता हूँ कौन सी मूवी मैं देखने के लिए। फैंटास्टिक बीस्ट सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर, तो ये है हैरी पॉटर यूनिवर्स बेस्ड मूवी का एक्सटेंशन जो कि फैंटास्टिक बीस्ट में बन गया था। फिर फैंटास्टिक बीस्ट के एक दो पार्ट आ चुके हैं, दो पार्ट आ चुके हैं। तो पहले पार्ट में तो मजे ही आ गए थे सबको कि भाई बहुत सारे बीस्ट देखने को मिले थे। फाइनली विजर्डिंग वर्ल्ड से थोड़ा सा हटके एक नई अलग तरह की मूवी देखने को मिली। उसके बाद इन्होंने सेकंड पार्ट बनाया जो कि किसी को जरूरत नहीं थी, पर फिर भी बन गया। अब थर्ड पार्ट की एब्सोल्युटली अननेसेसरी, तो बिल्कुल भी किसी को जरूरत नहीं था। अब ये बात तो जग जाहिर है, डंबलडोर जो है उनके बारे में एक बड़े अच्छी रिवेलेशन हुई थी कि वो गे हैं। अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी वाज क्रिएटेड। सो डंबलडोर एंड ग्रिंडलवॉल्ड वर अपेरेंटली डेटिंग। ग्रिंडलवॉल्ड जो कि इस फिल्म के विलन है। देखो इसका बैक स्टोरी वगैरह मेरे को नहीं पता है, अगर किसी को पता है तो कॉमेंट्स में बता देना। जो भी है, मतलब ऐसा विलन है ग्रिंडलवॉल्ड और डंबलडोर हीरो है, जो डंबलडोर के बारे में सबको पता है विजर्ड यूनिवर्स में बेस्ड है। और अब इसके अंदर बहुत सारा मैजिक है और डंबलडोर की जो जबरदस्त फ्लेक्स किया है डंबलडोर भाई ने, को मैजिक की इतनी ज्यादा नॉलेज है कि ही इज द डिजर्विंग लीडर ऑफ द विजर्डिंग वर्ल्ड। प्लॉट प्लूट की बात नहीं करूंगा मैं, बस ये बताना चाहता हूँ आपको मूवी के बारे में कि मूवी बहुत अलग बना रखी है। मूवी में इतना ग्रैंड कुछ भी नहीं है, मूवी में छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पसंद आएंगी। मूवी में दो तीन फाइट सीन्स हैं जो आपको पसंद आएंगे। मूवी इज मोर टुवर्ड्स ए ड्रामा, मिस्ट्री ड्रामा। एक्चुअली अच्छा लगेगा, देखोगे फील गुड होगा, ऐसा लगेगा कि हाँ हॉगवर्ट्स दिखाते हैं तो हॉगवर्ट्स दिखाने का जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, वो वैसा वाला म्यूजिक बजता है, अच्छा लगता है, फील गुड होता है। तो वैसे पुरानी यादें ताजा हो जाती है, नॉस्टैल्जिया हैशटैग। अच्छी मूवी है, देख के मजा आया, पर इतनी भी अच्छी नहीं है, देख के भूल जाओगे। बाकी डंबलडोर के बारे में बहुत सारे सीक्रेट्स पता चले इसमें, तो वो अच्छा लगा मुझे। और ऐसे ईस्टर एग्स डाल देने चाहिए थे तीन चार, पर ईस्टर एग्स मेरे को मिले नहीं और पुरानी मूवीज में बिल्कुल ही भूल चुका हूँ, तो शायद इसलिए भी नहीं मिले। अदरवाइज अगर किसी को ईस्टर एग्स मिले तो उसके बारे में कॉमेंट में मेरे को बताना, और मैंने कुछ गलत बोला है तो वो भी मुझे बताना। इसके साथ करते इस ब्लॉग को खत्म। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट। पीस। बहुत सारी मूवीज देखी हैं इस वीक मैंने, अगली मूवी के बारे में भी मैं डालूंगा कुछ। वेट करो कल का।